बीजेपी की प्रदेश सरकार से आज सभी वर्ग परेशान है। सरकार के प्रशासन पर पकड़ नहीं होने से इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, यह आरोप कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर लगाया। उनका कहना है कि प्रदेश में बरसात कहर बरपा रही है, इसमें लोगों की जान बचाने के बजाय मुख्यमंत्री चुनावी रैलियां करने में व्यस्त है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह सरकार पलटू सरकार है। हिमाचल लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की नोटिफिकेशन हो गई है, निमंत्रण पत्र छप गए हैं, लेकिन शपथ नहीं पाई। इससे साफ हो गया कि यह सरकार शिमला से नहीं बल्कि दिल्ली से चलती है। कांग्रेस इस तरह की बैकडोर एंट्री के खिलाफ है, लेकिन यह महिला का भी अपमान है। मुख्यमंत्री अपने फैसले नहीं ले सकते, मुख्यमंत्री की प्रशासन पर पकड़ नहीं है। बीजेपी सरकार से हर वर्ग त्रस्त है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी चुनावी वादों को पूरा किया जाएगा। जो बात हम समय समय पर बारी बारी हमने कही कि मुख्यमंत्री जी का अपने प्रशासन के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर पकड़ नहीं है कि ये एक कठपुतली वाली सरकार है जिसके धागे दिल्ली से, जयपुर से, नागपुर से चल रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति में देखा है कि जिस तरीके से रातों रात नोटिफिकेशन होने के बावजूद जो है राजभवन से इनविटेशन कार्ड छप जाने के बावजूद जो है इसको रातों रात विड्रॉ कर दिया जाता है, ये सरकार के मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा है। और ये इस चीज को दर्शाता है कि ये सरकार जो है ये शिमला से नहीं चलती, सचिवालय से नहीं चलती, ये दिल्ली से चलती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए इस सरकार को बदलना और महत्वपूर्ण हो जाता है। और चीजें तो हैं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, कर्मचारी विरोधी है, बागवान विरोधी है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार की पकड़ ही नहीं है। और जिस सरकार की अपने प्रशासन के ऊपर पकड़ ही ना हो, ऐसी सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकना जितनी जल्दी हो सके ये बहुत जरूरी है। और ये हम इस विधानसभा चुनावों में कर रहे हैं। जिस तरीके से जो आजकल बारिशों का माहौल देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जिस तरीके से जो नुकसान हो रहा है, उसमें सरकार की एब्सोल्यूट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विल पावर और इच्छा शक्ति सरकार की इन जो नेचुरल क्लाइमिटी से लड़ने के लिए होनी चाहिए, उसको हम पूरे तरीके से हम जो है उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मैं समझता हूं सरकार की प्रायोरिटीज जो है वो केवल चुनावी रैलियां करना है, केवल जो है चुनाव जीतना है, मगर जो नेचुरल क्लाइमिटीज आज प्रदेश के अंदर हो रही है उसमें जिस तरीके से जो मीटिंग्स मुख्यमंत्री जी को या सरकार को करनी चाहिए थी, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी चाहिए थी। आज करीबन 4 जिलों में येलो अलर्ट घोषित हुआ है, कांगड़ा जिला के अंदर, सिरमौर जिला के अंदर, शिमला के अंदर और मंडी के अंदर और ट्राइबल एरियाज कुछ एरियाज में। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी जो है वो चुनावी रैली के लिए पौंटा साहब गए हुए हैं, सिरमौर गए हुए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको केवल हर चीज में राजनीतिक दृष्टिकोण से ही कार्य नहीं करना चाहिए, इस चीज का हमको ख्याल रखना चाहिए कि प्रदेश की जनता की वेलबींग, उनकी सुरक्षा और उनकी सेफ्टी सरकार का दायित्व बनता है, जिसको सरकार करने में पूरी तरीके से विफल रही है। आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनने जा रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेता इकट्ठे मिलकर एक आवाज के साथ आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। और जो भी हमने चुनावी वादे किए हैं, मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारा वही वादा है जो प्रैक्टिकल है, जो पूरा किया जा सकता है। न्यूज डेस्क N1 लाइव।